बाद में फिल्म के टाइम पे फिल्म करते हुए जो एक्टर हैं स्टार हैं आपकी पहली फिल्म में आपको कैसा लगा सर? नहीं फिल्म करने तो बहुत सर मज़ा आया सर, और इन्जॉय तो बहुत हुआ है सर। तो अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से हैं और कैसे आपको फिल्म? तो मैं सर आजमगढ़ का हूँ जी, और ये फिल्म मेरी खुद की है, प्रोडक्शन हाउस खुद का मेरा है जी। खुल के बोलो, सोच सोच के बोलो। अच्छा रहा, सभी लोग साथ अच्छा काम करने का रहा और सब लोग अच्छे से काम भी किए। गाने तो अच्छे, सब अच्छे गाने हैं। हाँ, और नेक्स्ट मूवी का प्लानिंग सब चल रही है, और एक मूवी अभी करने भी जा रहे हैं जस्ट अब नेक्स्ट मंथ में जी। इस वाली फिल्म को लेके आपका क्या क्या उम्मीदें हैं? इस फिल्म से उम्मीदें यही है सर कि ये हमारा जो सफ़र है अच्छे से चल जाए और आप लोगों का कृपा बना रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे। फिल्म सर देखे अच्छी लगी और अच्छी बनी भी है, और जो लोग काम भी किए हैं हमारे एक्टर्स और मैडम भी अच्छा काम किए हैं जी। आपका कैरेक्टर क्या है फिल्म के अंदर, आपका जो रोल है वो क्या है, किरदार आपका जो आपने प्ले किया? जी मेरा किरदार एक हीरो का, मेन हीरो का किरदार है जो कि सच्चाई के लिए लड़ता है, और हमारे माता पिता को जैसे पहले मार देते बचपन में उसके लिए उसी पे चल रहा है, उसी के लिए मतलब एक सच्चाई के रास्ते पे चलता है। आप क्या कहेंगे आज आपकी फिल्म का पोस्टर? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, मैं एक्ट्रेस पूजा मौर्य, और आज ये फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मेरा किरदार इसमें गांव की एक नॉर्मल लड़की रहती हूँ, जैसे बहुत गरीब होती हूँ मैं। हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और सर इन लोगों के साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी सपोर्ट किए इनके गोविंद जी और हमारे इंद्रजीत सर हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ काम करके, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को सभी दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। मैं एक्ट्रेस पूजा मौर्य सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, और आज मेरी फिल्म पुलिस मुजरिम का पोस्टर लॉन्च हुआ है, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। किस तरह के किरदार फिल्म आपका? मेरा किरदार जो है इसमें सर, मैं एक गांव की लड़की हूँ जो बहुत गरीब रहती हूँ, बहुत सिंपल सी होती हूँ। इसमें तो अमीर लग रही हूँ ड्रेस में। इस ड्रेस में अमीर लग रही हूँ ना, किरदार में बहुत गरीब हूँ। सीट में खरीद दिया क्या? आप जो समझ लीजिए सर, आप दिए हैं ना, आप बोल रही तो दिया हूँ। हाँ, बस मिट गया। सीता जी, आपको फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हुआ है, जरा बताएं दोस्तों क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी पहले से नमस्कार सबको हमारे तरफ से। आज इतनी खूबसूरत हीरो के साथ बैठे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। प्रपोज करना चाहेंगे मुझे एक सामने? कर दें सर, फूल वगैरह रहता तभी कर दें। समझ लीजिए फूल हाथ में है तो समझ ये सर, सर कई बार ऐसे हो चुका है कि हाथ में फूल हो चुका है सर, लेकिन मैं बहुत बार कर भी चुका हूँ। नहीं रिजेक्ट भी नहीं किए, लास्ट टाइम जाते जाते एक्सेप्ट कर ली थी। पिक्चर कैसा का नाम है आपका? पुलिस मुजरिम जी। तो पुलिस आप हो कि कोई? नहीं नहीं, मुजरिम वाला किरदार है। आप मुजरिम हैं जी। तो क्या क्या गुनाह किया आपने बताइए? गुनाह सर मैं तो लड़ रहा हूँ अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए। गुनाह मतलब एक सच्चाई लड़ाई है, जो पुलिस जो एक दायरे में रह के नहीं कर पाती वो हम कर करते हैं उस हिसाब से। तो पूजा से क्या संबंध है आपका फिल्म के अंदर? ये हमारी मेनली हीरोइन है, गर्लफ्रेंड है जी। और अच्छा मैंने बोला प्रपोज करेंगे जी। हाँ, फिल्म में इनके घर पे रहा हुई हूँ, इनका खुद का ढाबा है उसी में रहता हूँ जी। खाना बना लेते हो? बना के खिलाती थी ना। ढाबली होती है, चाय होता है, बिस्किट होता है जैसे, और गुटखा, ये सब का ढाबली, खाने का नहीं है। फिल्म के प्रोड्यूसर अनोज विश्वकर्मा जी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? अनोज विश्वकर्मा जी है और हरिश्चंद कनौजिया जी जी फिल्म के। क्या उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके लिए फिल्म उन्होंने बनाया? अब इन लोगों का पहले धन्यवाद करूंगा दोनों लोगों का कि दोनों लोग दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि सर एक फर्स्ट चांस हमको दिए हैं।
था, इसलिए बहुत खुशी होती है कि डायरेक्टर इंद्रजीत जी हैं जी सर, उनके बारे में क्या आप कह रहे हैं? उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत इसमें रह के काम किए, दिल से काम। डायरेक्शन के साथ हमें देख रहा फिल्म में पुलिस का भी किरदार वो निभा रहे हैं, तो आपका उनका क्या कुछ कनेक्शन है? कनेक्शन तो सर हमारा इनका दिल से है, हाँ सबका तो होगा, एग्रीमेंट होगा हमारा दिल से। फिल्म के अंदर आप लोगों का क्या कम्युनिकेशन है? भाई भाई है फिल्म, भाई भाई जी, ये बुआ के लड़के हैं, मैं इनके मामा के, मामा के लड़के। तो पुलिस बन गए, मुजरिम बन गए? कुछ हालात ही ऐसे सर, अब कुछ सब देख लेंगे, सब यही पूछ लेंगे। अच्छा। तो कितना मुश्किल था इंद्रजीत जी को डायरेक्शन साथ साथ अभिनय भी करना? मुश्किल तो बहुत था सर, लेकिन डे एंड नाइट जग के पूरा काम किए हैं सर जी। फिल्म शूटिंग कहाँ हुई है, कितने गाने हैं फिल्म में? फिल्म शूटिंग आजमगढ़ में हुई है यूपी, और गाने साथ हैं। कितने गाने दिए हैं? आज़ाद जी दिए हैं, प्यारे लाल जी, पिंटू गिरी जी, और म्यूजिक म्यूजिक सावन जी। सावन जी जी, कैसा लगा आपको गाना इन लोगों का? बहुत अच्छा है सर, याद है? हाँ सर याद तो है, मैं सिंगर ही गा देता हूँ। सर मैं क्या बोलूँ, इनकी आवाज़ इतनी अच्छी, मुझे आज पता चला कि ये गाना भी गाते हैं, पहले कभी नहीं पता, इतने दिन एक महीने तक साथ में थी काम की, लेकिन पता नहीं चला, ये तो छुपे रास्ते में निकला। पहला हीरो है जो आपको प्रपोज किया कि पहले भी हो चुका है? नहीं पहले है, बुरा नहीं मान गया ऐसा, मैं रियल बता दूँ। अब रियल में भी तो बोल रहे ना सर कि पिक्चर भी प्रपोज किए और रियल में भी प्रपोज किए हैं। एक्सेप्ट के लिए आपने? नहीं अभी सोच रहे हैं करूं कि नया करूं। आपको कैसा लगा फिल्म के गाने और डायरेक्शन? गाने बहुत अच्छे थे सर, और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा करते हैं सर, डायरेक्शन के साथ साथ वो एक्टिंग भी कर रहे थे, और हम लोग को देखो संभाल भी रहे थे कि हम लोग को क्या करना है, कैसे टाइमिंग निकाल के हमको समझाते भी थे कि हाँ तुम ऐसे करो तो काम अच्छा होगा, तो थोड़ा नर्वस भी होती थी सर, फर्स्ट टाइम था। फिल्म शूटिंग कहाँ हुई है, कितने दिन सर? फिल्म का तो पूरी स्टोरी शूटिंग हुई है आजमगढ़ में, और हम लोग का जो सॉन्ग हुआ सोनभद्र में हुआ है। हाँ दर्शकों से यही कहूंगी कि ये मेरा फर्स्ट फिल्म है, और वो लोग इतना सारा प्यार दुलार दे, आशीर्वाद दे कि ज़्यादा। आप कहाँ के रहने वाले हैं और कितनी फिल्में अभी तक काम कर चुके हैं? सर मैं यूपी की हूँ बस्ती, और मैं दो फिल्में की हूँ। हाँ, एक पुलिस मुजरिम में फर्स्ट है मेरा, और पर्पल दिल के फर्स्ट मेरा सेकेंड है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर आजमगढ़। और कितनी फिल्में आपकी, फर्स्ट मूवी आपकी? नहीं नहीं, एक मूवी सर हिंदी किया हूँ, प्यार में जीरो, एज ए OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। प्यार में? प्यार में जीरो, और सेकंड मूवी है। क्या कुछ सपने हैं जो अभी पूरा करना है आपको? पहले अच्छे से रिलीज है, और आप दर्शक लोग का सबका प्यार मिले, उसके बाद सपने सर पहले रिलीज हो जाए, कुछ अच्छा कर जाऊँ लोगों के लिए, कुछ सोच मतलब एक मेरे थ्रू एक सोच जाए अच्छे। फिल्म तो आपके सामने शूटिंग हुई है, क्या उम्मीद है इस सिनेमा से, पुलिस मुजरिम से आपको? उम्मीद तो सर बहुत है इस चीज़, क्योंकि पहली मूवी और अच्छी शूट भी हुई है जी। बढ़िया है, अच्छे हैं, बस आप जैसे भाइयों का प्यार है। क्या बात है, बहुत यहाँ मजमा लगा हुआ, क्या चल रहा है बताइए जी? आज क्या कुछ कर रहे हैं पुलिस मुजरिम के लिए करके? आज इसका फर्स्ट लुक हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और चाहता हूं कि दर्शकों के बीच में हमारी फिल्म का फर्स्ट लुक जाए। इंद्रजीत जी, इस फिल्म का अभिनय के साथ आपने निर्देशन भी किया, कितना कठिन था आपके लिए? बहुत ही मुश्किल कार्य था, कि निर्देशन के साथ साथ अभिनय करना ये बहुत ही टफ था, लेकिन फिर भी हमने किया, और सबका प्यार आशीर्वाद मिला। आपके साथ और कौन कौन से कलाकार जुड़े हैं इस फिल्म में? इस फिल्म में हमारे साथ हमारे छोटे भाई हैं सिद्ध गोविंद जी, और एक्ट्रेस पूजा मौर्य, प्रियंका सिंह जी, और पानमती शर्मा जी, आइटम में पलक जी, और विलेन में संतोष श्रीवास्तव जी हैं। ये सारे कलाकार का काफ़ी सपोर्ट भी रहा है। पलक जी अभिनय के साथ साथ आइटम भी करने लगे जी, ये इंद्रजीत जी का देन है, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक आइटम सॉन्ग करना है आपको, तो मैं खुद हैरान हो गई थी कि मैं तो एक्टिंग करती हूँ और आइटम सॉन्ग कैसे कर पाऊँगी, तो बहुत ही अच्छा रहा आइटम सॉन्ग, और बहुत मज़ा आया आइटम सॉन्ग करके। इंद्रजीत जी का कुछ कहना चाहेंगे? इंद्रजीत जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और एक्टर भी हैं। इस सिनेमा से क्या कुछ उम्मीद है? इस सिनेमा से बस मुझे इंतज़ार है कि मेरा सॉन्ग जल्दी से आए मार्केट में,
और सबको मतलब देखने को मिले ये मेरा सॉन्ग। पुलिस मुजरिम किस तरह की कहानी है, क्या कुछ संदेश देगी? ये जो फिल्म है, आजकल जो हमारे देश में किसान और जवान दोनों इस देश के लिए लड़ते हैं और इन दोनों की हालत बहुत बुरी है, इसी पर एक कहानी आधारित है। और बिहार में जो सीलिंग व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी, हाँ, किसान और जवान की जो हमारे देश में हालत बुरी है, इस पर ये फिल्म है। किसान के मुद्दों को हमने उठाया हुआ है और हमारे जवानों को जो सम्मान नहीं मिलता है, जो देश की सीमा पर लड़ते हैं, उसको भी हमने उठाया हुआ। और साथ ही साथ जो बिहार में सीलिंग व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी कि उस पर भी मैंने इस फिल्म में दिखाया है। फिल्म के गीत संगीत पर कितना ध्यान दिया आपने? गीत संगीत तो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, ये म्यूजिक डायरेक्टर साहब ने काफ़ी मेहनत किया हुआ है। हमारी फिल्म के जो राइटर हैं प्यारे लाल जी, आज़ाद सिंह, पिंटू गिरी, अशोक सिन्हा जी ने काफ़ी मेहनत करके सारे गीतों को तैयार किया है। फिल्म के प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, फिल्म के प्रोड्यूसर का अनुज विश्वकर्मा जी का और मीना हरिश्चंद कन्हैया जी का काफ़ी योगदान रहा है इस फिल्म को यहाँ तक पहुँचाने में। शूटिंग कहाँ की गई है और रिलीज कब तक करने वाले हैं? शूटिंग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में की गई है, मेहनाजपुर कस्बा। और गाने की शूटिंग हम लोगों ने सोनभद्र में किया था, ओबरा डैम, वहाँ का तो लोकेशन बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही प्यारा है। और रिलीजिंग का हमारा प्रोग्राम है कि हम दिवाली पे इस फिल्म को रिलीज करेंगे। कैसा रहा पूजा मौर्या काम फिल्म में? और नहीं, पूजा ने तो बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी सराहनीय कार्य रहा है। जिस हिसाब से पूजा से हमारी पहली मुलाकात हुई थी इस फिल्म के लिए, तो उम्मीद से भी ज़्यादा खरा उतरी है। इस सिनेमा के बाद और क्या कुछ प्लान है आपका? इसके बाद मेरी एक और फिल्म आ रही है, मर जाएंगे मिट जाएंगे। उसके बाद में भी तीसरी भी मैं शूटिंग करने जा रहा हूँ, जान जानी जनार्दन। दो पिक्चर अभी कम्प्लीट हो चुकी है? दो फिल्म हमारी ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुकी है। तीसरी शूटिंग कब से करने वाले हैं? ये कौन कौन से कलाकार हैं? 1 तारीख से इसकी शूटिंग हम लोग कर रहे हैं अयोध्या में, प्रभु श्री राम की नगरी में। और उसमें सारे कलाकार हैं, सनी कुमार सनिया जी हैं, जितेंद्र झा जी हैं और सीत गोविंद जी हैं, सारे लोग हम लोग काम कर रहे हैं। पलक, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूँगी कि सॉन्ग में मतलब मैंने जो काम किया है सॉन्ग के अंदर, वो साड़ी में है, साड़ी में आइटम सॉन्ग मैंने किया हुआ है और देसी सॉन्ग है और बहुत ही प्यारा देसी फोक जो सॉन्ग होता है भोजपुरी का, वो सॉन्ग है। तो ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि वो मेरा सॉन्ग रिलीज़ के बाद देखे और मुझे बहुत सारा प्यार दे, ताकि आगे भी मुझे मौका मिले ऐसे सॉन्ग करने का। अभी तक कितने फिल्में आपने किया है? जी, फिल्में तो मेरी 7-8 हो चुकी है और अभी 3 फिल्म रिलीज़ पे है, जैसे कि आपने इंटरव्यू किया था फिरौती का, फिरौती है, पुलिस मुजरिम है और एक हरे दुपट्टे वाली है। भोजपुरी में क्या कुछ सपने थे, अभी तो पूरे नहीं हुए आपके? भोजपुरी में ऐसा सारे सपने पूरे हो गए मेरे। इंद्रजीत जी, आप कहाँ कराने वाले हैं और कितनी फिल्म में अभी तक आप जाइए? बेसिकली तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बस्ती डिस्ट्रिक्ट है मेरा, लेकिन मैं पैदा दिल्ली में हुआ, पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। मैं JNU का स्टूडेंट रहा हूँ और हिस्ट्री का स्कॉलर रहा हूँ मैं। अभी आगे और सारा, क्योंकि सिनेमा में ही रुचि है और सिनेमा में ही आगे काम करना भी है। फिल्म के साथ साथ मैं जानता हूँ कि आप चित्रक भी हैं। हाँ, फिल्म के साथ साथ हमने पंजाब में और उत्तर प्रदेश में हमने फिल्म वितरक का भी कार्य किया है। अभी क्या फिल्म कंटिन्यू करना वितरक की अभी? नहीं, कंटिन्यू करना है, कोरोना काल के बाद वापस फिर हम लोग लग जाएंगे अपने पुराने काम काज के साथ साथ नए काम पर भी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को जितेंद्र झा का प्रणाम। और इंद्रजीत सिंह पाजी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, अभी फ़िलहाल अभी मालूम चला है। तो इंद्रजीत पाजी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिस तरह वो लॉकडाउन के बाद लगातार 2 फिल्में कर चुके हैं। अभी 1 तारीख से हम लोग जा रहे हैं कि जॉन जॉनी जनार्दन फिल्म करने के लिए। तो बहुत बहुत बधाई पाजी को, किसी तरह वो बढ़ते रहे और हम कलाकारों को सपोर्ट करते रहें। क्या कहेंगे दिशा जी? आज इसका पोस्टर लॉन्च हुआ है, पुलिस मुजरिम, और मैं
जिनका ये फिल्म है इंद्रजीत जी, उनका नाम मैं इंद्रजीत नहीं जानती थी, पापे के नाम से जानती हूँ। तो पापे जी को बहुत बहुत बधाई फॉर दिस पोस्टर लॉन्च एंड बहुत सारी शुभकामनाएं टू द एंटायर टीम ऑफ दिस फिल्म। एक बार पोस्टर दिखा दीजिए। थैंक यू सो मच। अभी मैं कंटिन्यू हिंदी सीरियल कर रहा हूँ, जी टीवी पे आ रहा है बंधन टूटे ना, उसके बाद क्राइम स्टोरी। अभी मैंने एक किरदार किया है किन्नर का, भीगे होठ तेरे, वेब सीरीज किया हूँ लीड पे। तो हिंदी के साथ साथ भोजपुरी सब चल रहा है, बस प्लानिंग ये है कि कभी रुका ना जाए, कंटिन्यू कुछ ना कुछ लगा रहे। मेरा आँख में चूली कंप्लीटेड है और एक चुलबुल के बुलबुल, एंड आज एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है शंकर, उसमें मैंने गेस्ट अपीयरेंस सॉन्ग किया है, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। थैंक यू सर। मेरा नाम अनुज विश्वकर्मा है। मेरा पहली मूवी ये पुलिस मुजरिम का आज पोस्टर लॉन्चिंग है, इसके अवसर पर हम लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं। पुलिस मुजरिम शूटिंग कहाँ किया गया आपने? हमारा ये आजमगढ़ में शूटिंग हुआ, मेहनाजपुर गांव में आजमगढ़ में शूट हुआ है अपना। आजमगढ़ में शूटिंग आपने किया, आप कहाँ रहने वाले हैं? हम भी आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। जी, अपने होम टाउन पे ही किया गया है। फिल्म में आपके जो हीरो हैं कौन कौन से हैं, बताना। हमारे यहाँ हीरो हैं सीत गोविंद और दूसरे हैं इंद्रजीत पाजी जी, दो ही जन हैं हीरो के लिए किरदार निभा रहे हैं। और कौन कौन सरकार है इसमें? हैं पूजा जी हैं और प्रियंका जी करके दो एक्टर्स हैं, दोनों जन साथ में काम कर रहे हैं। कैसे दिमाग में आएगा वो भोजपुरी पिक्चर बनाना चाहिए? सर दिमाग में क्या, हमारे साथ वो गोविंद जी हैं जो हमारे मित्र हैं, बहुत ख़ास हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई मिलके कुछ पिक्चरें बनाते हैं, तो मतलब चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मिलके जो भी पिक्चर थोड़ा बहुत डोनेट करके जो भी हिसाब से बनाते हैं। फिल्म का डायरेक्शन इंद्रजीत जी ने किया है, कैसा लगा आपको उनका काम? नहीं, बहुत अच्छा काम लगा, काम तो बहुत अच्छा किए हुए हैं, काम के लिए एकदम। अगर उनसे तारीफ में कुछ बोला जाए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? तारीफ में फिलहाल के लिए तो देखिए, क्या दोबारा फिर से उनके साथ हाँ एक फिल्म और करने का प्लान चल रहा है फिलहाल के लिए, एक प्लान करेंगे। कैसा लगा फिल्म का गीत संगीत पटकथा? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तब भोजपुरी के जो दर्शक सिनेमा देखते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे फिल्म देखने के लिए? फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है, आप लोग देखिए, और देखने के साथ उसमें जो भी किरदार निभाया गया सब अच्छे ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें बुरा कुछ है, सब अच्छे ही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं चाहूँगा ये मेरे अनुज छोटे भाई ये इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं और इनकी टीम को मेरी तरफ से खूब खूब बधाइयाँ। आपका क्या नाम है और इसमें से क्या योगदान है फिल्म में आपका? मेरे भाई हैं, मैं इनका भाई हूँ, बस यही है। क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि इनकी जो टीम है इन्हें खूब सपोर्ट करे और इसी तरह ये लोग सब आगे बढ़े। कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म तो जिस तरह से कहानी सुना और जो भी है वो एक अच्छी मतलब एक प्रेरणादायक फिल्म है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी भाइयों को पहला नमस्कार, सभी भोजपुरी भाइयों को नमस्कार मेरा। ये हमारे मित्र अनुज विश्वकर्मा जी है, ये बहुत अच्छे मित्र हमारे हैं। इनका जो पिक्चर लॉन्च हुआ है ये मैं एक साल से सुनते आ रहा हूँ, 6 महीने से कि पिक्चरें बना रहे हैं, पुलिस मुजरिम बना रहे हैं, ऐसी ऐसी स्टोरी है, ऐसी अच्छी पिक्चर है, भोजपुरी पिक्चर हम बना रहे हैं। इसके लिए मैं भाई को और पूरे जितने भी काम करने वाले हैं सबको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। आगे और भी पिक्चर लॉन्च करने वाले और पिक्चर बनाने वाले इसके लिए बधाई देता हूँ। अभी जो ये पिक्चर रिलीज हुई है यूपी और बिहार में अपने जगह कई जगह क्षेत्रों में हो चुकी है, वहाँ पर चल रही है, मुंबई में भी चलने वाली है, तो इसके लिए मैं अनुज भाई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। अब फिल्म का पहला लुक जारी हुआ है, कैसा लगा आपको पोस्टर? बहुत अच्छा लगा, ये पोस्टर और पिक्चर बेस्ट स्टोरी सुना हूँ इसके हिसाब से बहुत अच्छा लगा है और आगे हम बहुत अच्छा कामना करते हैं सबसे, पिक्चर अच्छा चले और अच्छा चलेगा। थैंक यू सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.